अस्सलाम दोस्तों, आज के इस डाट ट्यूटोरियल में हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले अपना वाइड मीन का जो है वो मेथड ले लेते हैं और इसके अंदर हम वो जो है प्रैक्टिस हम कर सकेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन की। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्चुअली में ये ऑपरेटर्स होते हैं जो मैंने बताया कि प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है और डिवीजन का ऑपरेटर है। ऑपरेटर और भी बहुत तरह के होते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं और एक्चुअली में ऑपरेटर करते क्या है, दो वैल्यू का मर्ज होते हैं, मगर कभी दो वैल्यू को मर्ज करके वो जैसे ट्रू फॉल्स में वैल्यू देते हैं और कभी दो वैल्यू को मर्ज करके वो हमारे को उसका जो है वो मल्टीप्लाई हमें देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा टू बराबर है टू के, तो ये इसको जो है वो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखें आप, इसको इसने मेरे को जो है वो टू रिटर्न किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टू प्लस टू करता हूँ तो ये मेरे को जो है वो फोर रिटर्न करता है। तो यही हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे को दो वैल्यू के दरमियान जो हम रिजल्ट चाहते हैं कि वही हमारे को रिटर्न करते हैं, ठीक है, जिसे इन दोनों को ये मर्ज कर देगा। ठीक है, हमारा प्लस के अलावा माइनस का साइन भी होता है, हम माइनस करेंगे दो वैल्यू को तो उसका जो रिटर्न होगा वो हमारे को जीरो में मिलेगा, चूंकि दो से दो जाएगा तो जीरो बचेगा। हमारे पास डिवीजन का होता है कि अगर मैं दो को दो से डिवाइड करूंगा तो हमारे को जो हासिल होगा वो वन होगा, तो हमारे को इसने वन किया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, अगर मैं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो हासिल होगा वो मेरे पास फोर होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखना कि मिसाल के तौर पर इसके अंदर प्रायोरिटी ऑपरेटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारे को मल्टीप्लाई का साइन होता है या डिवाइड, दोनों में हमें देखा जाएगा कि जिसमें मतलब मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड होगा, उसके बाद प्लस या माइनस होंगे। तो इस चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, इसकी हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने लिखा टू प्लस टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू। अब इसका नॉर्मली आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर नॉर्मली ये होता है टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स। अच्छा, सिक्स में से जब हम दो को मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ट्वेल्व। तो हम इसको चला के देखते हैं तो हमें इसका आंसर मिल रहा है फोर। क्यों फोर मिल रहा है, चूंकि पहले मल्टीप्लाई हुआ है, तो टू मल्टीप्लाई बाय टू ये हमारा हो गया फोर, और टू टू फोर, तो फोर और फोर प्लस हुए तो क्या बना हमारा एट। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना, लेकिन अगर मैं इनको ब्रैकेट्स में कर दूँ तो अब अगर आप सॉरी अगर मैं इनको इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट्स में कर दूं और अब आप देखें तो इसका जो आंसर होगा, चूंकि सबसे पहले ब्रैकेट्स खुलेंगे तो अब हम 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 4 4 मतलब 8 हो गया, ये भी हमारा जो है वो 8 का आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ कर लूँ ऐसे करके, तो अब क्या हुआ 2 प्लस 2 फोर हो गया और फोर प्लस टू जो है वो हमारा सिक्स हो गया, और सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू तो ये हमारा ट्वेल्व जो है वो आंसर आना चाहिए। तो देखें ये हमारा ट्वेल्व आंसर। तो पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, उसके बाद फिर हम वो साइन को देखते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन।